नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में आपको इंडो फार्म 3048 DI ट्रैक्टर दिखा रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं इस ट्रैक्टर के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं ट्रैक्टर के फ्रंट लुक के बारे में। तो इसमें आपको फ्रंट ये 60 kg प्लस का बम्पर मिलता है, कंपनी फिट मिलेगा आपको। और बात करते हैं ट्रैक्टर की जो फ्रंट लुक के बारे में, तो इसमें आपको वही मारुति वाला लुक मिलेगा, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक्टर का लुक है। और इसमें आपको मिंडा कंपनी की लाइटें मिलती हैं, हैलोजन लाइटें मिलती हैं। और ये है इसका इंडो फार्म का लोगो है, और ये इंडो फार्म का बैच दिया हुआ है। ये ट्रैक्टर आपको सिंगल पीस बोनर के साथ में मिलेगा, और यहाँ से इसका बोनर खुल जाएगा। और ये है इसका हिस्स दिया हुआ है, और ये इसका बेसमेंट डिग्गी चूल्हा काफ़ी ज़बरदस्त है। कंपनी ने इस ट्रैक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार किया है किसानों के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक्टर है। और ये इंडो फार्म का सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है, इंडो फार्म 3048 DI 50 HP कैटेगरी में ट्रैक्टर आता है। ये ट्रैक्टर आपको फोर व्हील ड्राइव भी मिल जाएगा, उसकी वीडियो हमने बना रखी है। और इसका एक वेरियंट सादा स्टेयरिंग में आता है, ये है इसका सादा स्टेयरिंग वेरियंट। इसके अगर टायर 16 के मिलते हैं, इसका भी हमने अपने चैनल पर रिव्यू कर रखा है। और इंडो फार्म 3048 पावर स्टेयरिंग में इसका भी रिव्यू हमने अपने चैनल पर कर रखा है, तो आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। इसके भी दो वेरिएंट आते हैं, इसमें पिछले टायर आपको 16 के भी मिल जाएंगे, और आगे टायर आपको बड़े ही मिल जाएंगे जो 60-50 में आते हैं, वही टायर आपको मिल जाएंगे। तो पहले आप इस ट्रैक्टर के बारे में बात करते हैं, तो जो इसके फ्रंट टायर आपको अपोलो कंपनी के मिलते हैं, 16 के फ्रंट टायर मिलते हैं। और इसका जो फ्रंट एक्सल है एडजस्ट टोटल नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हैवी तैयार किया कंपनी ने। और इसका जो स्पैंडल है देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी मजबूत तैयार किया है। और ये स्टिकर लगा हुआ मल्टीपर्पज़ ट्रैक्टर 8-16 का इसका ये साइज है। और इसमें आपको ये बैलेंस टाइप पावर स्टेयरिंग मिलेगा, ये काफ़ी अच्छा होता है बैलेंस टाइप। अदर कंपनी में आपने देखा होगा सिंगल एक्टिंग वाला पावर स्टेयरिंग मिलेगा, लेकिन कंपनी ने इसमें आपको डुअल एक्टिंग वाला पावर स्टेयरिंग दिया है। और ये 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है, इसमें आपको 3 सिलेंडर मिलते हैं। और ये इसका माइक्रो बॉस का इनलाइन पंप है, जिसको मेंटेनेंस फ्री रखने के लिए ये वाटर सेपरेटर दिया हुआ है। और इसमें क्या होता है, जैसे पानी वगैरह आ जाता है, ये लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ से अपना जो टी वगैरह बत्ती से पानी बंद कर देंगे, टी बंद करने का सिस्टम दिया हुआ है, फिर अपना जो यहाँ से इसका जो पानी है वो निकल जाएगा यहाँ से खोल के। और ये इसके डीजल फिल्टर दिए हुए हैं। और इसका जो डिग्गी चूल्हा है बेसमेंट काफ़ी हैवी तैयार किया है कंपनी ने। और ये स्टिकर लगा हुआ है मेड इन इंडिया, 100% स्वदेशी ट्रैक्टर है। आपको डुअल क्लिच का स्टिकर मिलेगा, ये लिखा हुआ है, सब कुछ पढ़ सकते हैं वीडियो रोक के। तो आप यहाँ से लेके वहाँ तक अच्छा खासा बम्पर फिट कर सकते हैं। और इसका जो गेयरबॉक्स है इसमें खास टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, सिंक्रोमैक्स इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। और जो इसके स्टिकर हैं ग्राफिक्स काफ़ी अच्छी तरीके से कंपनी ने तैयार किए हैं, बहुत ही इसका जो डिज़ाइन देखने में बहुत ही यूनिक लगता है अपने आप में। ट्रैक्टर महंगा भी नहीं है ज़्यादा, सस्ता ट्रैक्टर है अपनी कैटेगरी में, और इस पर ऑफर भी चल रहा है। और ये इसका जो फ्लैट प्लेटफॉर्म है, इंडो फार्म के सभी ट्रैक्टर का प्लेटफॉर्म मुझे तो अच्छा लगा। और इसमें आपको ये 7 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। और ये है इसका, इसमें आपको ज़बरदस्त वाले हैलोजन डिफर मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है, इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बने हुए हैं। और ये ट्रैक्टर आपको डुअल क्लच के साथ में मिलेगा, इसमें आपको डुअल क्लच मिलेगा, डबल क्लच नहीं है, ट्रैक्टर डुअल क्लच में आता है। और इसमें आपको H+2 का गेयरबॉक्स मिलता है सिंक्रोमैक्स टेक्नोलॉजी के साथ में। और ये है इसका छोटा स्टेयरिंग, जो कि कटिंग करने के लिए काफ़ी ज़बरदस्त होता है। और ये ट्रैक्टर 2500 RPM पे है, इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर मिलते हैं, सभी मीटर मिलेंगे इसमें आपको, बहुत ही अच्छी रोशनी करते हैं रात में, इसकी LED जलती है तो उसकी रोशनी अलग ही होती है। और ये है इसकी हैंड रेस, और इसमें आपको मैंने बताया था OIV ब्रेक मिलेंगे, टेल में डूबे ब्रेक मिलेंगे, EMK ब्रेक पैड है ना। और ये इसकी पैरावार रेस दी हुई है, और इसमें आपको ये देख सकते हैं हैरोज भी बने हुए हैं, और ये स्टिकर लगा हुआ है ऑयल मस्ट ब्रेक का, इसमें आपको स्टिकर मिलेगा। और ये है इसकी हैंड रेस, पास में आपको साइड मिरर मिलता है। और ये कंपनी ने अपना चार्ट दिया हुआ है, इसे वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं आसानी से। और इंडो फार्म के सभी ट्रैक्टरों में आपको बैठने के लिए जो सीट पर बंदे बैठते हैं मड गार्ड पर, तो अलग से दिया हुआ सिस्टम, ये काफ़ी अच्छा काम किया कंपनी ने।
और ये इसका फाइबर का टूल है, और ये है इंडोफॉर्म का SFC पावर लिखा हुआ है, सब कुछ दे सकते हैं आसानी से आप लोग। ये टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, और ये है इसका सर्विस चार्ट। इससे किसान भाई वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं आसानी से। और ये इसका PTU रिवर दिया हुआ है, 540 मल्टी रिवर्स PTU। इसकी लंबाई मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसकी जो लंबाई है 30-55 से ज़्यादा इसकी हाइट है ट्रैक्टर की। और ये इंडोफॉर्म का सबसे ज़्यादा बिकने वाला ट्रैक्टर है, किसानों को ये ट्रैक्टर बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, कीमत भी बहुत ही कम है ट्रैक्टर की। और इसकी जो सीट है, सभी ट्रैक्टर की सीट इंडोफॉर्म की एडजस्टेबल है, और सभी ट्रैक्टरों में आपको साइड गियर मिलते हैं, 40 HP से लेकर सभी में आपको साइड गियर मिलते हैं। सिंक्रोमैक्स टेक्नोलॉजी है, सिंक्रोमैक्स टेक्नोलॉजी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त होती है, कम आवाज़ करता है गियरबॉक्स। और जिसके पिछले टायर हैं 14 और 28 के मिलते हैं, 16 के भी टायर डाल सकते हैं क्योंकि 50 HP का ट्रैक्टर है। रिवर्स PTU का आपको इसमें स्टिकर मिलता है, अपोलो के टायर मिलते हैं इसमें। और यह है 3065 DI, इसका भी हमने रिव्यू कर रखा है अपने चैनल पर। इसका जो पिछला हिस्सा है बहुत ही ज़बरदस्त है, 540 PTU का स्टिकर लगा हुआ है। इसकी 1800 kg की लिफ्ट कैपेसिटी है, लिफ्ट लिंक दे सकते हैं आप लोग कितनी हैवी है, आप वीडियो रोक के इसकी लिफ्ट पट्टी दे सकते हैं आप लोग कितनी मजबूत बनाई है कंपनी ने। और जो इसका पिछला हिस्सा इसकी ट्यूब दे सकते हैं काफ़ी भारी है, और इसमें आपको डुअल एक्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा, यहाँ से ऑपरेट होता है ये। इसका लीवर दिया हुआ है, और ये मडगार्ड की वाइब्रेशन कम करने के लिए डंडा दिया हुआ है, और जैसे आपके यहाँ की मिट्टी है वैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये है इसका टॉपलिंग के लिए, काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी ने तैयार किया है। और ये ट्रॉली में लाइट वगैरह फिट करने के लिए होता है, और यहाँ पे आप अपनी बॉटल वगैरह रख सकते हैं। ट्रैक्टर की वाइब्रेशन कम करने के लिए अलग से कंपनी ने फेंडर दिया है, और ये आपको इंडोफॉर्म का स्टिकर मिलेगा, और कंपनी ने हैवी लिफ्ट का स्टिकर लगा के दिया है। इसकी लिफ्ट पट्टी दे सकते हैं आप लोग, काफ़ी अच्छी है, और ट्रैक्टर की ऊंचाई दे सकते हैं ज़मीन से काफ़ी अच्छी है, तो वो भी हम आपको बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। इसका जो प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा लगा, खुला स्पेस है इसमें, और ऑयल इमर्स्ड ब्रेक का आपको स्टिकर मिलेगा इसमें। ये इसके ब्रेक पैडल दिए हुए हैं, दे सकते हैं आप लोग, काफ़ी इसकी ऊंचाई ट्रैक्टर की लंबाई भी ज़्यादा है, और पिछला हिस्सा ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा भारी है। और हमने आपको इसका फोर व्हील ड्राइव भी वर्जन दिखाया था, फोर व्हील ड्राइव की वीडियो आपको मिल जाएगी। और इसके फिल्टर वगैरह दिए हुए हैं, और इसमें आपको ये लॉक भी मिलेगा, ये इसका लॉक है। ग्राफिक्स आपके इसके हम दिखा चुके हैं आपको, पावर स्टेयरिंग का पंप हाइड्रोलिक का पंप दोनों अलग अलग हैं, और ये इसका दो वाला पावर स्टेयरिंग है, यहाँ से ट्रैक्टर खुल जाएगा। और खोलने की कोशिश करते हैं, ट्रैक्टर खुल नहीं पा रहा है फिलहाल ये। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।